प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं आपका साथी महेश कुमार वैद्य। आज हम बात करते हैं गुरुग्राम में आयोजित हुए फाग महोत्सव की। दोस्तों, समय का पहिया कभी नहीं ठहरता, मगर जब अंतर्मन के आनंद की चरम सीमा हो तो समय का ध्यान ही नहीं रहता। दो दिन पूर्व गुरुग्राम में हुए सांस्कृतिक फगुआ महोत्सव के दौरान माहौल कुछ ऐसा ही था। दर्शकों और श्रोताओं को लगा मानो समय ठहर गया हो। गीत संगीत के साथ धर्म और आध्यात्म की बहती धारा, इस धारा में गोते लगाते पूर्वांचल के सैकड़ों हजारों लोग। अपनी माटी अपनी बात, भोजपुरी गायक से लेकर भोजपुरी वक्ता तक सब। लेकिन जनसेवा एवं सांस्कृतिक चेतना मंच गुरुग्राम की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में अचानक ऐसा हुआ जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित पूर्व केंद्रीय मंत्री हुक्मदेव नारायण यादव ने अपनी उम्र की परवाह किए बिना पूरी मौज मस्ती के साथ मैथिली भाषा में वृंदावन मोहन दधि लूटे जैसे कई गीत सुनाए। मंच मंत्रमुग्ध था, सामने बैठे श्रोता मंत्रमुग्ध थे। मंच पर मौजूद हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव, भाजपा नेता कमल यादव, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रवि रंजन सहित तमाम वरिष्ठ लोग भी मंत्रमुग्ध होकर हुक्मदेव नारायण यादव को सुन रहे थे। अचानक इस बीच जब फगुआ गाना समाप्त हुआ तो किसी ने हुक्मदेव से राजनीति पर कुछ बोलने के लिए आग्रह कर दिया। हुक्मदेव ने पहले तो इसका जवाब अपने ही अंदाज में दिया और हल्की प्यार भरी डांट के साथ फगुआ के उत्सव पर राजनीति से परहेज रखने की नसीहत दी, मगर चंद लाइनें ऐसी कह दी जिसमें पूरी राजनीति का मर्म छुपा था। बातों ही बात में हुक्मदेव ने जब बात आगे बढ़ाई तो अपने एक भाषण पर संसद में मोदी की आंखों से निकले आंसुओं का राज बता डाला। थोड़ा हुक्मदेव की जुबानी सुनिए, उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा। मैं 77 से था, इतने दिन मेरी वो आवाज क्यों नहीं आती थी? इतनी दिन मेरी आवाज इसलिए नहीं आती थी, संसद में मेरी आवाज, मेरी भाषा, मेरी भावना को सुनने वाला कोई था ही नहीं। अंधे आगे रोना, अपना दीदा खोना, परमात्मा से प्रार्थना मैं करता था, कोई एक आदमी को भेजो जो मैं बोलूं तो मेरी बोली को सुने, समझे, उस पर कुछ करे। संजोग से नरेंद्र मोदी आ गए, नरेंद्र मोदी बैठे थे, मैं सुना रहा था, नरेंद्र मोदी मेरे भाषण पर हंसते भी थे, आंसू भी बहाते थे। इसका मतलब देश के करोड़ों गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, निर्धन, निर्बल, मेहनत कश लोग हैं, उनकी वाणी जब हुक्मदेव नारायण सुनाया तो नरेंद्र मोदी की आंख से आंसू गिर गया। इसका मतलब जिस दिन गरीबों के दर्द पर प्रधानमंत्री का आंसू गिर जाए तो समझना चाहिए यही गरीब का असली आदमी है और यही गरीब के लिए कुछ कर सकता है, नकली नहीं, असली 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 असली। इसलिए मैं सुनाता था सबको, लेकिन मैं सुनाता था नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को सुना दिया, अपनी तपस्या पूरी हुई, फिर कहा अब संसद को सलाम, मेरे मुझे भारत माता ने जिस काम के लिए भेजा था काम पूरा किया, अब चलो अपने धाम, अब चले आप लोग मिलकर के। आपने सुना किस तरह हुक्मदेव ने कहा कि वर्ष 1977 से संसद में मुझे सुनता कौन था, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता था कि कोई आए और मेरी बात सुने। परमात्मा ने मेरी बात सुनी, मोदी सदन में आए और तब मेरी आवाज़ सुनी गई। उन्होंने कहा कि लोगों ने इतने दिन मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनी, संसद में तो मैं पहले भी बोलता था। इसका कारण बताते हुए हुक्मदेव ने कहा कि तब संसद में मेरी आवाज़ सुनने वाला और मेरी भावनाओं को सुनने वाला कोई नहीं था। अंधे आगे रोना और अपनी आंखें खोना की कहावत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तब परमात्मा से प्रार्थना करता था कि कोई एक आदमी को भेजो जो मैं बोलूं वह मेरी बोली को सुने और कुछ करे। सौभाग्य से नरेंद्र मोदी आ गए, नरेंद्र मोदी बैठे थे, मैं सुना रहा था, नरेंद्र मोदी मेरे भाषण पर हंसते भी थे और आंसू भी बहाते थे। इसका मतलब देश के करोड़ों गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, निर्धन, निर्बल, उनकी वाणी जब हुक्मदेव नारायण ने सुनाई तो नरेंद्र मोदी की आंखों से आंसू आ गए। इसका सार बताते हुए हुक्मदेव बताते हैं
कहते हैं कि जिस दिन गरीबों के दर्द पर प्रधानमंत्री का आंसू गिर जाए तो समझना चाहिए कि यही गरीब का असली आदमी है और यही गरीब के लिए कुछ कर सकता है। नकली नहीं, असली असली असली। हुक्मदेव ने 3 बार असली कहकर मोदी का महिमा मंडन किया। उन्होंने कहा कि असली इसलिए कि मैं सुनाता था सबको, लेकिन मैं सुनाता था नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को सुना दिया, अपनी तपस्या पूरी हुई और फिर कहा संसद को सलाम। मुझे भारत माता ने जिस काम के लिए भेजा था वह काम पूरा किया, अब चलो अपने धाम। इसके साथ ही हुक्मदेव ने अपनी बात पूरी की। हुक्मदेव ने इतना कहा तो उत्सव में मौजूद तमाम भाजपाइयों के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। हालांकि ऐसा कहने वालों की कमी नहीं थी, गैर राजनीतिक कार्यक्रम में बुजुर्ग नेता राजनीति भी कर गए और भजन गायन में भी महफिल लूट ले गए। बहरहाल गुरुग्राम में हुआ यह फाग उत्सव पूर्वांचल और मिथिलांचल के लोगों के बीच एकता का भी बड़ा संदेश दे गया। इसकी चर्चा लंबे समय तक रहेगी। नमस्कार।